अस्सलाम वालेकुम। पुत्र खैर है? बिना दसे आ गई है। माँ वो मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। घर छोड़ के आ गई हो मतलब? माँ मैंने वो घर छोड़ दिया, अब मैंने वहाँ नहीं रहना। तू पागल हो गई है? किसी से गल करनी क्यों? अपना घर छोड़ के आई है। मैंने कह दिया ना माँ, बस मैंने उस घर के बारे में कुछ नहीं सुनना, मैंने वहाँ नहीं रहना। बहन आखिर हुआ क्या है, क्यों नहीं रहना उस घर में? भाई मैंने आपको कह दिया ना मैंने नहीं जाना वहाँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? पुत्र ना कर इतना, ये बड़ी गलत गल है। तू सानू दसेंगी तो फिर ही असीं उन्हां नूं पुछांगे ना। मैंने बोल दिया ना वहाँ नहीं जरूरत उनसे बात करने की, अब मैं यहाँ ही रहूंगी बस। गल सुन ले मेरी, मैं तेरा घर बर्बाद नहीं होने देवांगी जिन्ने चिर सच्चाई दा मैनूं पता लगा। कौन सा घर माँ? वो कैद खाना था मेरे लिए। कैद? वो कैसे? तेरे सोहरे तो बड़े चंगे ने, उन्होंने तेरे नाल कभी वाली दी घाटी नहीं की। फिर कैद खाना किवें हो गया? माँ अगर मुझे पहले थोड़ा सा भी आइडिया होता कि वो लोग ऐसे हैं, मैं कभी भी उधर शादी ना करती। हुण सानू कुछ दसेंगी कि नहीं? टेंशन दे छड़ेंगी। क्या क्या सच बताऊं माँ, आपको तो पता है वो मेरे से कितना काम कराते थे, सुबह शाम गधों की तरह लगे रहती थी मैं, सुबह शाम बस काम काम काम। मुझे तो ये लगता है मेरी सारी जिंदगी कामों में गुजर जाएगी। बस बस किस्मत फूटी थी जो मुझे ऐसा खानदान मिला। ऐसी बात तो नहीं है, मैं आपकी सास से मिला हूँ, वो तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ भाई, बस मैं ही झूठी हूँ, वो लोग तो बहुत सच्चे हो जैसे फरिश्ते हो जैसे। फेनिंग गल पीछे अपना घर छोड़ देंगे या? बस इतनी सी बात लग रही है आपको? ये क्या छोटी बात है माँ? पुत्र तेन उन्होंने गल था। बस करे माँ, मुझे नहीं करनी अब किसी से भी बात। नहीं माँ, मुझे उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाना, और ना ही मैं ये पसंद करूंगी कि अब कोई उस घर के बारे में कोई बात भी करे मुझसे। मैं जा रही हूँ बस अपने रूम में। मेरी गल तो सुन। जी भाई। किथे चलनी है बेटा? चाय बनाने जा रही हूँ माँ। पुत्र चाय बनी गई, इतने बैठा तो पी ला। अच्छा बहन, मार्केट का ना कुछ काम रह गया था, मुझे अभी एक मीटिंग पे जाना बहुत जरूरी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, तो कर देगी क्या? क्यों नहीं भाई, ये कोई पूछने वाली बात है? आपको जो भी कोई काम हुआ बता दीजिएगा, मैं कर दिया करूँगी। आप जाए अपनी मीटिंग अटेंड करें। ठीक है बहन। पुत्र उसे लिस्ट पई तो राशन मुक्का है वो लेंदी आवी। जी माँ मैं लेती आऊंगी। शाबाश मेरा समझदार बच्चा, आज के बाद घर के सारे काम मैं करूंगी, आप दोनों ने बिना समझे बोल दिया करना है मुझे। ठीक है बहन, आज के बाद सारे घर के काम आपसे करवाएंगे। बहन एक काम करना, एक तो पौधों को पानी दे दो, दूसरा ना मेरी बाइक को जरा अम्मी से कपड़ा पकड़ लो, उसे साफ कर देना, मेरे निकलना है। ठीक है? जी भाई मैं कर देती हूँ। अमरीन बेटा सुन, ये बर्तन पहने ये भी धोदी, नाले झाड़ू फेर देवी। जी ठीक है माँ। पुत्र एक तेनू गल पूछा। जी माँ पूछे। पुत्र तू साडे घर रह रही, तेनू किस तरह लगता पिया? क्या मतलब है कैसा लग रहा है? ये मेरा अपना घर है, आप सब मेरे अपने हो, मुझे अच्छा लगेगा। जी माँ जी ठीक ही तो कह रही है, हम लोग एक ही फैमिली है तो हमारे साथ ही रहेंगे तो उसे अच्छा ही तो लगेगा। मैंने एक बात पूछनी है तुमसे, मैंने और माँ जी ने तुमसे इतना काम करवाया और तुमने एक बार भी हमें कुछ नहीं कहा और तुम्हें बुरा बिल्कुल नहीं लगा? भाई अब कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मैं अपने घर का काम कर रही थी और अपना घर का काम करते वक्त किसको बुरा लगता है, और मैंने ये सारे काम बहुत खुशी से किए हैं, मुझे बिल्कुल भी थकन नहीं हुई, और वैसे भी आपके काम करना और माँ की खिदमत करना मेरा फर्ज है। शाबाश बेटा, असि यही गल तो तेन समझाना चाहते हैं, पर एक गल तेन समझ नहीं आती पे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि तुमने इस घर का कितना काम किया और हमने तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कोई थकावट नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्यों? क्योंकि हम सब तुम्हारे फैमिली का हिस्सा है ना, फैमिली है हम, और ये घर तुम्हारा है। ठीक इसी तरीके से बहन,
तुम्हारा ससुराल भी तो तुम्हारा घर है ना, तुम्हारी फैमिली है वो। और पता नहीं तुम्हें उस घर को समझने में इतनी देर क्यों लग गई, और मुझे लगता है अगर उस घर को भी तुम अपना घर समझते तो शायद ये हालात ना आते। हाँ बेटा, जिस तरह तू साडी खिदमत कर दी है उस तरह सास सहुरे दी भी कर, वेखी तेनू बड़ी खुशी मिलेगी। उस घर नू ही अपना घर समझेंगी ना, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं माँ, मैं वाकई गलती पर थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोग मेरे माँ बाप हैं तो वो भी मेरे माँ बाप हैं, मुझे उनका भी एहसास करना चाहिए था। मैंने उस घर को अपना घर नहीं समझा। शुक्रिया माँ मुझे समझाने के लिए। हाँ जी, तो वीडियो आपने देख ली है, तो अब चलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की तरफ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लड़कियाँ अपने ससुराल को अपना घर नहीं ना समझती, वो लड़कियाँ हमेशा नुकसान में रहती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो और वीडियो में दिया गया मैसेज पसंद आया है तो इसको दूसरे लोगों तक ना भी पहुँचाएगा। शुक्रिया।